بسم الله الرحمن الرحيم حضرت اقدس حضرت مورنا تاري جميل صاحب کے بیٹے आसिम जमील की डेथ हुई और एक बड़ी सबको फ़िक्र लाक हो गई कि ये कैसे हो गया क्या हो गया जो हजरत का जो बेटा है ये बचपन से ही किसी दिमागी बीमारी में मुबतला था और इलाज भी हो रहा था हज़रत जो ज़िम्मेदारियाँ एक बाप की होती हैं वो औलाद के लिए वो ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने में लगे हुए थे लेकिन ज़ाहिर है कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ़ से होती हैं इंसान उसमें बेबस होता है सबसे पहले तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसकी मफफ़रत फरमाए और हजरत अकदस हजरत मौरा तारिक जमील साहब और उनके तमाम लवाहिकीन बेटे की वालदा जो थी उनको भी और भाइयों को अल्लाह सबर जमील की तोहफ़ी क़ता फ़रमाए यहाँ बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इतना दीनदार घराना और बेटे ने ख़कुशी कर ली हर ख़ुदकुशी डिप्रेशन में ही होती है टेंशन में ही होती है खुशी में तो कोई भी खुदकुशी नहीं करता याकूब आसमाम को हम देख लें ना कि सारी ज़िंदगी बेटे के गम में रोते रहे मगर ख़ुदकुशी की तरफ नहीं गए अमल को खुदकुशी करार देना ये किसी भी तरह से ये बात दुरुस्त नहीं है और ये एक इल्ज़ाम है और जिस इस इल्ज़ाम का जवाब आपको क़्यामत के दिन देना पड़ेगा पर कुछ कैफ़ियात ऐसी आती आ जाती है कि जिसमें वो अपने कौल अमल का जिम्मेदार नहीं होता और उसके कौल और अमल पर उसको ना गुनाह मिलता है ना उसको दुनिया में सज़ा मिलेगी ना आखरत में सज़ा मिलेगी ये वो जब है जब इंसान की दिमागी सलाहियत काम करना छोड़ दे तलाक़ आपको मालूम है कितना हसास मामला है शदीद गुस्सा में भी अगर इंसान हो तो तलाक़ वाक़ हो जाती है सलातुन जिद्द्न्न जिद्दाबल्न जद्दन इस हदीस की रोशनी में बसमलर रही रसोलकरम गुश्त रात एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़ पेश आया हज़रत अकदस हज़रत मौराना तारी जमील साहब के बेटे आसम जमील की डैथ हुई और एक बड़ी सबको फ़िक्र लाक हो गई कि ये कैसे हो गया क्या हो गया अब उनके बेटे का मौाना यूसुफ जमील साहब का बयान सामने आया है कि उसने खुद को गोली मार के हलाक किया और डिप्रेशन का वो पेशेंट था सबसे पहले तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसकी मफफ़रत फरमाए और हजरत अकदस हज़रत माना तारिक जमील साहब और उनके तमाम लवाक़ीन बेटे की वालदा जो थी उनको भी और भाइयों को अल्लाह सब्र जमील की तौफीक अता फ़रमाए और उस बेटे को उस जहाँ की भलाइयाँ नसीब करे अल्लाह ताला उसके सवायर कबाल ख़ाओं को अल्लाह माफ़ करे मैं जो ये बयान रिकॉर्ड करवा रहा हूँ इसका एक बड़ा मकसद जो है वो उन लोगों को जवाब देना है जो इस अमल को ख़ुदकुशी करार दे रहे हैं क्योंकि मैंने भी कुछ कमेंट्स पढ़े हैं कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट्स हैं आपको पता है कि दीनदार तबके की तरफ से कुछ लोग ऐसे मुखालिफ लोग हैं के दिनदारों के कि उनको मौका चाहिए होता है प्रोपैगंडा करने का हमारे यहाँ ये बात मशहूर है अलहमदिल्ला हमारे यहाँ दींदीदार तबका चाहे चाहेमा का हो कुर्रा हज़रा का हो हाफिज़ों का हो अल्हम्दुलिल्लाह उनमें ख़ुदकुशी का रेशो ना होने के बराबर है उनके घरों में भी और उनके ख़ुद उनमें भी कोई भी खुदकुशी नहीं करता और ये बात बड़े फ़खर से बयान की जाती है कि क़ारी हजरात की तनख्वाहें देखें आप आइम्मा कराम की तनख्वां देखें उनके वस, मसाइल देखें उसके बावजूद वह ख़ुदकुशी की तरफ नहीं जाते इसलिए कि अल्लाह ने उनको सबर दिया है और याकूब आसमाम को हम देख ले ना कि सारी ज़िंदगी बेटे के ग़म में रोते रहे मगर ख़ुदकुशी की तरफ नहीं गए तो यहाँ बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इतना दीनदार घराना और बेटे ने खुदकुशी कर ली इसका जवाब मौला यूसुफ जमील साहब की तरफ़ से अलहमदिल्ला आ चुका है कि वो भाई डिप्रेशन का पेशेंट था वो उसको इलेक्ट्रिक के झटके दिए जाते थे मेडिसन खाता था वो और डॉक्टरों ने यह भी हिदायत की हुई थी कि इनके इसके पास कोई ना कोई रहना चाहिए कुछ भी कर सकता है तो ये जवाब मैं समझता हूँ काफ़ी है उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए जो इस अमल को ख़ुदकुशी करार दे रहे हैं लेकिन आपको पता है जो फितना प्रस लोग होते हैं उनको बातें करनी है बाज़ लोग ये भी तबसरा कर रहे हैं कि हर खुदकुशी डिप्रेशन में ही होती है टेंशन में ही होती है खुशी में तो कोई भी ख़ुदकुशी नहीं करता तो देखें ये टॉपिक डॉक्टरों का है डॉक्टर बताते हैं और हमने मुशाहिदा भी किया है कि डिप्रेशन दो तरह की होती है एक डिप्रेशन तो आम लोग जो दुनिया की मोहब्बत में डिप्रेशन में गए हुए हैं एक डिप्रेशन वो होती है जो किसी दिमागी बीमारी की वजह से होती है इसमें दीनदार लोग भी मुबतला हो सकते हैं और इसका कोई इलाज इसका इलाज ये नहीं है कि उसको सब्र की तलकिन की जाए इसका इलाज मेडिसन होती है दिमाग में कुछ केमिकल आगे पीछे हो जाते हैं ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं बहुत अच्छे लोगों को जिन्होंने बड़ी बड़ी टेंशनें झीली हैं बर्दाश्त की हैं लेकिन वो बैठे बैठे डिप्रेशन में चले जाते हैं मेडिसन लेते हैं तो सेट हो जाते हैं वो दिमाग के कुछ केमिकल हैं जो आगे पीछे हो जाते हैं यही वजह है और ये नई बीमारी नहीं है सदियों पुरानी बीमारी है यही वजह है किलमा कराम ने ये मसला तलाक़ के मसाइल में बयान किया और कत्ल किसास वगैरह के मसाइल में बयान किया कि इंसान पर कुछ कैफ़ियात ऐसी आती आ जाती हैं कि जिसमें वो अपने कौल अमल का जिम्मेदार नहीं होता और उसके कौल अमल पर उसको ना गुनाह मिलता है ना उसको दुनिया में सज़ा मिलेगी ना आखिरत में सज़ा मिलेगी ये वो जब है जब इंसान की दिमागी सलाहियत काम करना छोड़ दे तलाक आपको मालूम है कितना हसास मामला है शदीद गुस्सा में भी अगर इंसान हो तो तलाक वाक़ हो जाती है सलातु उन जिद उन जद्दा वहाज़ल उन इस हदीस की रोशनी में लेकिन ने बयान किया कि अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट है और उसके पास क़राइन है और वो उसका दिमाग सही काम नहीं कर रहा ऐसी सूरत में वो बीवी को सौ तलाक़ भी दे, दे देगा तो नहीं होंगी इसलिए उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है ऐसे मौके पे तो जब तलाक जैसे मसले में हम हमा कराम आज से सदियों पहले एक स्ट्रेस और डिप्रेशन का मरीज़ जिसका दिमाग काम करना छोड़ दे उसके इस अमल को तलाक़ करार नहीं देते वो ज़बान से कुफरी या कलमत अगर ज़बान से निकालेगा तो वो काफिर नहीं होगा हालांकि कुफर तो मज़ाक में भी अगर आप कुफरी या कलिमत ज़बान से निकालते हैं तो आप काफिर हो जाते हैं लेकिन इतना बड़ा जुर्म भी माफ़ कर दिया अल्लाह ताला ने अगर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा तो ऐसे ही खूब समझ लें कि ऐसा डिप्रेशन का मरीज़ अगर किसी को कत्ल कर देता है या अपने आप को कत्ल कर देता है तो वह ना दुनिया में मुजरिम है ना अल्लाह अल्लाह के यहाँ वो मुजरिम है उसमें मलामत करना और किसी को बुरा भला कहना या कोई नेगेटिव बातें करना ये जो बातें करने वाले लोग हैं वो मुजरिम हो जाएंगे तो एक डिप्रेशन वो होती है जो दुनिया से बे दुनिया की मोहब्बत की वजह से दुनिया की छोटी छोटी बातों को आप बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं ये किस वजह से होती है ये ये नापसंदीदा है क्योंकि नेक लोग हमेशा सब्र करते हैं लेकिन एक डिप्रेशन वो है जो आपको किसी दिमागी बीमारी की वजह से तो ये बचपन से इसकी जो हमें तहकीक से मालूम हुआ है कि ये जो हजरत का जो बेटा है ये बचपन से ही किसी दिमागी बीमारी में मुबतला था और इलाज भी हो रहा था हज़रत जो, जो ज़िम्मेदारियाँ एक बाप की होती हैं वो औलाद के लिए वो ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने में लगे हुए थे लेकिन ज़ाहिर है कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं इंसान उसमें बेबस होता है तो हम सब इस गम में हज़रत के साथ बराबर के शरीक हैं और हम सब दिल से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हज़रत के इस बेटे को उस जहाँ की भलाइयाँ नसीब करे और उस जहाँ की खुशियाँ नसीब करे और जो भी उनके रिश्तेदार और लवाहिकीन हैं अल्लाह ताला उन सब को सब्र जमील की तोफ़ी कत फ़रमाए और जो मनफ़ी कमेंट्स करने वाले लोग हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और मैं फिर बार दोबारा अपनी बात को रिपीट करता हूँ कि इस अमल को ख़ुदकुशी करार देना ये किसी भी तरह से ये बात दुरुस्त नहीं है और ये एक इल्ज़ाम है और जिस इस इल्ज़ाम का जवाब आपको क़्यामत के दिन देना पड़ेगा अल्लाह ताली मरहूम की मफ़रत फरमाए और लवाकिन को अल्लाबर जमील की तोफ़ी कत फ़रमाए और मरहूम को जन्नत में अल्लाह ताला आला दर्जा तता फ़रमाए अल बलाग